मैं त्रिम्बक ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से सुधीर सिंह, ग्राम निडूरा, जिला सुल्तानपुर से बोल रहा हूँ। मैं इस समय राजेंद्र वर्मा जी के गोभी के खेत में। सर, आपने क्या डाला था इसमें? इसमें हमने पहले रोपाई के समय 25 किलो के हिसाब से, बीघे के हिसाब से, जो कच्चा बीघा हमारे यहाँ होता है जी, डाई डाली थी जी। उसके बाद में सिंचाई किया, यूरिया डाला, बाद में पौधा की जो बीज वाली होती है पत्ती, वो सिकुड़ने बटोरने लगी, मतलब बटोरने लगी जी। तो इसमें हमने कम्बी वो कार्पस मोबिबिन बोरान का छिड़काव किया जी। तो कुछ पत्तियां हल्का सा खिली, लेकिन 2-4 दिन बाद पता लगा कि वो फिर डैमेज हो रही हैं जी। तो उसके बाद में हमें ध्यान आया कि इसमें हो सकता है तत्व की कमी हो जी। तो हम कृषि कल्याण बीज भंडार के यहाँ गए, तो वहाँ बात किया तो उन्होंने बताया कि ले जाइए RDX। तो हमने RDX का इस्तेमाल किया जी। और उसके बाद में करीब 15-20 दिन बाद फिर एक छिड़काव किया, और उन्हीं की देन है कि आज हमारी गोभी, जो कि हमको आसान नहीं थी, एक बार हमने उसको 1.5 महीने पे तोड़ा था, शर्म लगती थी कि हम मंडी इसको लेके गए निकाले थे, एक बोरी 40 रुपए बिकी थी, और आज 20 रुपए फूल मेरा बिक रहा है जी। और कम से कम 2-2.5 किलो तक का, 1.5-2 किलो तक का फूल हो गया, जबकि 1.5 महीने में ही बताशा आ गया था इसका। उसका रिजल्ट सर बहुत ही अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए फूल इसका, पौधा ही देख लीजिए कितना बड़ा है, आप फूल दिखा रहे हैं जी। अभी देखिए एकदम अंदर में ही है फूल, बिल्कुल खुला भी नहीं है ये जी। अब इसको देखिए, इसकी सफेदी कितनी बढ़िया है जी। कि कहीं इतना बड़ा, कहीं इसमें जरा सा कोई वो भी नहीं है, और ये सारी खूबियां RDX की ही, Bio-RDX की देख सकते हैं इसकी, कहीं ना कोई गुलाबीपन है ना पीलापन है, एकदम फर्स्ट क्लास, एकदम ठोस, और कम से कम ये 2 किलो से कम का नहीं है जी जी। जबकि 1.5 महीने में इसमें बताशा आ गया था, फूल वाला फूल आ गया था जी जी। लेकिन जी, ये इसकी ही देन है जो इतने अच्छा हुआ इसमें फूल जी जी जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद।